डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आप देख रहे होंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन मेरा एम है डीयूईटी। यस, डीयूईटी में भी अच्छा खासा दिन है, मुझे लगता है कि 15 अक्टूबर के आसपास होगा। तो मैं ऐसा फील करता हूं कि मेरे उन सभी स्टूडेंट को के लिए जो उस एग्जाम के प्रिपरेशन में थोड़े ढीले पड़ गए होंगे, उनके लिए और PYQ एनालिसिस लाना चाहिए। उसी क्रम में मेरे पास जो भी पेपर हैं, अदर पेपर नाउ, मैंने तो सब PGET का कर दिया है, लेकिन कुछ सेट के हैं, कुछ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, केरला के हैं, उन सबको एनालाइज करेंगे। उसमें भी काफी काफी क्वेश्चन आपको ऐसे निकलते हैं जो आपको DUET में दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं, और ये UGC नेट के लिए भी यूजफुल होगा डेफिनेटली, और सभी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए। सो लेट अस बिगिन। 2021 की पेपर है, वैसे पेपर बहुत क्लियर नहीं कि 2021 का है, लेकिन उसमें जो इवेंट्स हैं उससे लगता है कि 2021 की पेपर है। पॉलिटिकल साइंस, लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का करें दौर शुरू, मेरा बताना यह कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि DUET के लिए जो बेस्ट दो बुक अवेलेबल हैं, फर्स्ट है एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस 1500 MCQ। इसमें सभी रेंज के क्वेश्चन जो अवेलेबल हो सकते हैं DUET के लिए अवेलेबल हैं, और आप इंतजार कर सकते हैं लास्ट मिनट प्रेप गाइड, जो पिछली बार सुपर डुपर हिट रहा था, उसको मैं अपडेट कर रहा हूं, उसको कुछ दिन पहले रिलीज करेंगे। ये सब अमेजन पे अवेलेबल है, लिंक यहाँ पे दी गई है, लेकिन आपको लिंक जानने की जरूरत है नहीं, आप सीधा पॉल साइंस हेल्प, यदि आप लिखते हैं किसी भी कैप्स या स्मॉल में amazon.in पे, तो आपको ये मिल जाता है, आप उसको परचेज करें, और किंडल पे जो है जाके इसको पढ़ सकते हैं। किंडल ऐप वन ऑफ द बेस्ट ऐप है रीडिंग के लिए, जिसमें इतने सारे फीचर्स है, आप यूज करके देखिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं दौर शुरू। इससे पहले मैं हमेशा कुछ बातें डिस्क्लेमर देता हूं। एक तो कि ये पेपर मेरे जिन स्टूडेंट ने भेजा है उसको, उनको थैंक्स, लेकिन इसका जो फोटो कॉपी क्वालिटी है वो पुअर है, लेकिन फिर भी काफी ठीक से दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए मैं उन स्टूडेंट के बिहाफ पे मैं सॉरी बोलता हूँ। दूसरा है कि इसमें जो क्वेश्चन है ये दो बड़ा क्यूरियस मिक्स है, कुछ तो बहुत ही आसान है, कुछ थोड़े से टेढ़े हैं, बहुत जो होना भी चाहिए, कुछ बहुत ही खासे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे DUET में। सो फॉर प्रैक्टिस वेरी गुड, लेट अस बिगिन। मुझे आशा है कि आप इसको ऐसे देखेंगे, इस तरह के वीडियो को आप पहले पॉज कर लेंगे, अपना गेस करेंगे, फिर देखेंगे सर क्या टिक मार रहे। यदि मैं टिक मारने, एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे टिक मारने और मेरे बोलने में यदि दोनों में अंतर हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसको सही समझा जाए, मेरे टिक मारने को सही ना समझा जाए। ओके, चलिए विद दिस डिस्क्लेमर। 30 क्वेश्चन तक जो है पेपर वन था, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब होगी। 31 से जो है पॉलिटिकल साइंस शुरू होती है। पेपर टू, By which amendment inter-state allocation of seats in the Lok Sabha freeze to another 25 years until 2026? आपको पता है कि जो हर स्टेट से जो लोकसभा के लिए जो सीट होते हैं, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र से 48 हैं, बिहार से 41 या 43, देख लीजिएगा, यूपी से 80 के आसपास हैं, वो जो है उसकी नंबर को किस अमेंडमेंट से फ्रीज कर दिया गया था? तो ये उसी अमेंडमेंट से फ्रीज किया गया था जिसमें कि 50% जो है एक तय कर दिया गया था कि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी या पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ, उसके 15% से अधिक जो है मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, 91st अमेंडमेंट। और ये कब आया था आप इसको, इसका ईयर जो है देख लीजिएगा, 91st अमेंडमेंट का ये कब आया था, शायद 2000 कुछ में आया था। Which of the following is not a pressure group? अब यहाँ पे pressure group या interest group का मायने आप सबको पता है, जो कि एक खास तरह के interest को pursue या lobby करने के लिए जो कुछ लोग कोशिश करते हैं अपने members के लिए खास करके, उसको pressure या interest group कहते हैं। ये American politics में बहुत खासा इसका प्रभाव होता है, जहाँ पे कि group या pluralist policy के तरह से वहाँ जो है politics चलती है, लेकिन अब इंडिया में भी इसका और डेवलपिंग नेशन में भी डेमोक्रेसी में इसका काफी रोल है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि फिकी है, एसोचैम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, फार्मर्स एसोसिएशन है, सभी इंटरेस्ट ग्रुप जो है अपने अपने सेक्शन के अपने अपने जो ऑक्यूपेशन या अपने पेशे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक पॉलिसी के लिए सरकार से वो लगातार जो है बातचीत करते रहते हैं, प्रेशर डालते हैं।
तो ये प्रेशर या इंटरेस्ट ग्रुप जो है इसमें से देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप से अलग होती है इस मायने में कि यही केवल जो है पावर पॉलिटिक्स डायरेक्टली लड़ती है इलेक्शन और पावर में जाके पब्लिक पॉलिसी डायरेक्ट बनाती है। इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप जो है पब्लिक पॉलिसी को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू देयर कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क्स एंड लॉबिंग। तो ये नहीं है, बाकी सब इसमें है। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप आलमंड का जो है चार टाइप का इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप को याद कर लीजिए। एनोमिक मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे सोशल मूवमेंट, सड़क पे लोग निकल गए, उस टाइप का। नॉन एसोसिएशनल जो कि परिवार या किनशिप, इन सब पे बेस्ड होता है, कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशनल जिसमें कि जैसे कि अभी आपको मैंने बोला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लाइक दिस। इंस्टीट्यूशनल वो है जो कि बिल्कुल एक डीप इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप कह सकते हैं बहुत ओल्ड इंस्टीट्यूशन, जैसे ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो एसोसिएशन होती है वो डीप इंस्टीट्यूशनल है, या एक्स आर्मी मैन की जो एसोसिएशन है वो सब जो इंस्टीट्यूशनल है। इस तरह के काफी सारे जो डीप इंस्टीट्यूशनल लेजिस्लेचर या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से निकल करके जो एक तरह से उनके पार्ट बनते हैं, मान लीजिए रिटायर्ड जजेस की मान लीजिए एसोसिएशन है, उस टाइप के जो बहुत ही सारे इंस्टीट्यूशन में वो दिखते हैं, वो भी इंटरेस्ट ग्रुप की तरह काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप एज एनोनिमस एम्पायर, ये किसने कहा था? ये सैमुअल एडवर्ड फाइंडर ने कहा था। ये स्टेटमेंट काफी जगह पूछा जाता है, प्रेशर ग्रुप एज एनोनिमस एम्पायर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच इलेक्शन वोमेन क्रॉस 7% मार्क्स इन लोकसभा। ये मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरिस्ट ऑफ फेडरलिज्म, ये क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि डेविड स्टर्न का फेडरलिज्म से नाता नहीं है। मैडिसन, जेफरसन, ये सब अमेरिका के काफी फेडरलिस्ट लीडर थे, और केसी वेयर जिन्होंने की इंडिया के फेडरलिज्म को क्वाजाई फेडरल कहा है, इंडियन स्टेट को, ये याद कर लीजिए। विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड राजमन्नार कमेटी, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजमन्नार कमेटी बहुत जगह पूछा जाता है। ये डीएमके गवर्नमेंट जो तमिलनाडु में थी, उन्होंने 1969 में इस कमेटी को सेटअप किया था टू रिकमेंड ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। ये बड़ा अजीब सा कमेटी है कि एक स्टेट गवर्नमेंट सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कमेटी गठित कर देती है। अदर जो कमीशन है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे, बहुत खासे इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन 1983 में बनी थी, उसके बहुत सारे रिकमेंडेशन शायद अभी भी ऐसे ही होंगे। एमएम पुंशी कमीशन 2007 में बनी थी। इन तीनों कमीशन को देख लीजिए, याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट। अब ये एक ऐसा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ये कहता है कौन सा इसमें से फैक्टर है जो इसको ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है मॉडर्न टाइम में। अब इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, कौन बोलेगा नहीं, सब जनरल स्टेटमेंट। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सब इतने जनरल स्टेटमेंट होते हैं, उसको आप काट ही नहीं सकते हैं। एंड ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन है भी, तो बिना सोचे समझे इसको आप टिक मार सकते हैं, बहुत ज्यादा बिना डिस्कस किए हुए। हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉर टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीस टाइम। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आप जानते हैं तो जानते हैं, आप इसको इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये लुथर गोलिक ने कहा है, बस याद कर लीजिए। Who wrote the essay on bureaucracy? ये मैक्स वेबर ने, वेबर का स्पेलिंग है गलत है, मैक्स वेबर ने इस पे एसे भी लिखा है ब्यूरोक्रेसी, बुक तो लिखा ही है, काफी सारे एसे भी लिखा है। ब्यूरोक्रेसी जहां है वहां पे आप सेफली मैक्स वेबर को टिक मार सकते हैं। हु सेड गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी, अभी हम कट गया है लेकिन हिंदी में देखिए, अच्छा प्रशासन था लोग तुरंत साथ साथ चलते हैं। अब ये बहुत ज्यादा चांस है, मैं भी गेस ही कर रहा हूं, मैंने खोजा लेकिन मुझे इस तरह से नहीं मिला, लेकिन मैरी फॉलेट ने ही कहा होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, मिलजुल करके उस तरह की बातें वो हमेशा करती हैं। उन्होंने बुक लिखा था क्रिएटिंग डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट, सॉरी उन पर एक बुक लिखा था जॉन सी टॉन, उन्होंने लिखा था मैरी पार्कर फॉलेट क्रिएटिंग डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि मैरी पार्कर फॉलेट का विचार किधर है, इसलिए ये क्वेश्चन में मैरी पार्कर फॉलेट ही होगा, वैसे मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूं, आप और रिसर्च कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु रोट नोट्स ऑन लिबर्टी और सॉरी नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आसान क्वेश्चन है,
आप गेस भी कर सकते हैं लुथार गुलिक ने इसको लिखा है. विच ऑफ दीज आर एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. इसमें देखेंगे तो फंक्शनल फॉर्मेंसिप आपको पता है बिल्कुल है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है बिल्कुल नहीं है, आप इसको काट दीजिए. तो आप यहां देखिए एलिमिनेशन से चलिए इसको बनाते हैं, बी नहीं होगा. यूनिटी ऑफ कमांड आपको पता है उन्होंने फंक्शनल फॉरमैन भी रखा था, ऑपरेशनल फॉरमैन भी रखा था, दो टाइप के फॉरमैन, चार चार, तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड को तो काटते हैं. तो इसलिए ये बी को यदि हम काट दें तो बी यहां कट गया, यहां कट गया, इसका मतलब क्या बचा, इन दोनों में यही दो बचा और इसमें भी ए कॉमन है, तो ए को तो आप ऐसे ही निकाल दीजिए. अब सी या डी में से एक ही सही होगा, दोनों सही है नहीं. तो सेंट्रलाइजेशन एंड टाइम एंड मोशन स्टडी में आप क्या चुनेंगे, ऑफ कोर्स आप टाइम एंड मोशन स्टडी चुनेंगे. तो सेंट्रलाइजेशन को आपको ऐसे काटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है. इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी, ये सही हो जाएगा. इस तरह से आप इसको बना सकते हैं. आप यदि कंफ्यूज भी हैं कि सेंट्रलाइजेशन है या नहीं है, और ये कंफ्यूजिंग है भी. हेनरी फेयोल डिड नॉट एडवोकेट फॉर, ये कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं. उन्होंने काफी सारे एट्रीब्यूट बताए थे जो मैनेजर हैं, टेक्निकल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल, लेकिन आइडियोलॉजिकल स्किल क्यों कहेंगे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दे रहे हैं, आप इसको गेस कर सकते हैं. कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर. मतलब जो सीएजी होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, वो उसी तरीके से हटाया जा सकते हैं जैसे एक जज को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के इम्पीचमेंट के थ्रू. ना ही केवल सीएजी बट एक और अथॉरिटी जो है सीईसी को भी इसी तरीके से हटाया जा सकता है. अब अभी जो सीयूईटी एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा था कि किस तरह से डीप जो है पढ़ा, आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन था. इसको ध्यान में रखते हुए और इसका सहारा लेते हुए कि सीएजी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, चलिए आपको प्रैक्टिस कराते हैं किस तरह से आप आर्टिकल को पढ़ के और इंफॉर्मेशन जान सकते हैं आगे के स्लाइड. ये मैंने जो है 148 आर्टिकल सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के पीडीएफ से कॉपी पेस्ट कर दिया है. अब यहाँ पे बाकी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ लाइन देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन आपको देता है. इसका जो फर्स्ट पैरा है वो कहता है कि सीएजी विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, पहला बात ये है. सेकंड ये कहता है कि नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं है, ही विल साइन द वॉरंट अंडर हिज हैंड एंड सील. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि किस किस ऑथोरिटी को प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं अपने वॉरंट में खुद ही, अब वॉरंट में को खुद अपने सील और साइन करते हैं, वो चार ही पांच जो है लाइक गवर्नर हैं और जजेज हैं लाइक दैट, उस तरह के इसमें है. तो वो पढ़ लीजिएगा और कौन कौन है, लेकिन इसमें से सीएजी भी है. एंड ही शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स सिमिलर ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इससे ये क्वेश्चन पूछा था. पारा टू में देखिए क्या है, उनका जो ओथ होगा, ही विल टेक ओथ ऑफ अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट इन द फॉर दिस पर्पस इन थर्ड शेड्यूल. ये कहा गया कि थर्ड शेड्यूल में इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है सीएजी का, वही ये ओथ लेंगे. ये भी पूछा जा सकता है कि किस शेड्यूल में सीएजी का ओथ है. अब देखिए थर्ड पैरा में लिखा है, द सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ सीएजी शैल बी सच एज मे बी डिटरमिन्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ. मतलब इसके लिए कितना इनका टेनियर होगा, कितनी इनकी सैलरी होगी, इसके लिए पार्लियामेंट अलग से लॉ बना सकती है, नहीं तो जो सेकेंड शेड्यूल में जब जो लिखा हुआ है वो अभी रहेगा. देन ये सब पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो मैं और बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट पार सिक्स में है, ये है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी इंक्लूडिंग ऑल हिज सैलरी ब्ला 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 पे शैल बी चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. मतलब इसमें वोटिंग नहीं होगी पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट में हर डिपार्टमेंट के डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग होती है, बजट का एक प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज कर दी जाती है, लाइक जजेस की सैलरी, पेंशन एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड बहुत सारे और अथॉरिटी के जो सैलरी कंपनसेशन होते हैं, इंडिया का जो सॉवरेन गारंटी वाली जो लोन होती है लाइक दैट. तो इसमें सीएजी की भी सैलरी आती है जो चार्ज होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा. तो इस तरह से जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए अभी से लेके जब तक आप डीयूईटी दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पैरा को जो है या जो आर्टिकल कहते हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए और उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा देख लीजिए, हेल्प होगा. नेक्स्ट आइए, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग रिफॉर्म पेंशन फॉर सिविल सर्विसेज सिस्टम इन इंडिया. ऑफकोर्स इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन. इस मिनिस्ट्री में तीन डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऊपर होती है, उसके नीचे मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं. एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग का काम करती है. दूसरा डिपार्टमेंट है जो पेंशन देखती है,
और तीसरा डिपार्टमेंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवांस डार पीजी कहते हैं। तो ये तीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में। Who headed the fifth pay commission? अब पता नहीं ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि सेवेंथ पे कमीशन भी आ गया और ये क्वेश्चन नया है। तो फिफ्थ पे कमीशन को एसआर पांड्यन, जस्टिस एसआर पांड्यन ने हेड किया था। सिक्स्थ पे कमीशन को बीएन श्री कृष्णा ने हेड किया था सिक्स्थ, और सेवेंथ को मिस्टर माथुर ने किया था सेवेंथ। ये सब आप याद कर सकते हैं, शायद इंपॉर्टेंट है। विच प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया? ये सब तो लड्डू क्वेश्चन आप कह सकते हैं। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1991 में किया था। उस समय में मनमोहन सिंह जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्रेजेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी पीएसी? बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ओके, अब मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, मैंने सोचा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैंने इसको पढ़ा था। अब पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में आपको मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्या 22 है या 15 है, आप चेक कर लीजिएगा। मैं पीएसी में बता रहा हूं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, लेकिन एक दूसरी कमेटी के हम बात हो रही है जो मैंने पहली बार मिस किया था पढ़ने में, इसको चेक कर लीजिएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? चेयरमैन नीति आयोग के ऑलवेज कौन होते हैं? यस, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज आर मेड बाय ऑल अपॉइंटमेंट इन इंडिया, यूनियन अपॉइंटमेंट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, गवर्नर का हो, जजेस का हो, सीएजी का हो, सीईसी का हो, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हु गेव द 14 पॉइंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ऑफकोर्स वुड्रो विल्सन ने दिया था, और इसी के बेसिस पे ये अभी आपको सीयूटी में पूछा भी गया था कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस है। दूसरा इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि ये खुद ही जो है वो एक जिसको आइडियलिज्म कह सकते हैं आईआर में, उसका एक थॉट था जो कि परपेचुअल पीस जो थेसिस था इमैनुअल कांत का, उस पे बेस्ड था। इसी पर जो है वो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली और आयरनिकली यूएसए ज्वाइन नहीं कर पाया, जबकि उसके प्रणेता वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। 14 पॉइंट प्रिंसिपल। डिसीजन ऑन द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन किसके द्वारा लिया जाता है? ये जनरल असेंबली लेती है ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ऑफकोर्स एडवाइस कोई भी बाइंडिंग होता नहीं है, इसलिए ये बाइंडिंग तो नहीं कहलाएगा, तो डी वाला होगा विच इज नॉट बाइंडिंग। एडवाइस कोई भी बाइंडिंग नहीं होता, ये मैंने पूरा प्रोसीजर दे दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। ये कई जगह पूछा जाता है कि कैसे एक नया मेंबर बनता है। इससे रिलेटेड है कि 193rd मेंबर जो है वो साउथ सूडान है, जो लेटेस्ट मेंबर है। Which among the following has signed non-proliferation treaty? ये सब स्टार क्वेश्चन है, बहुत आपको अच्छा इंफॉर्मेशन देता है। इंडिया ने नहीं साइन किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया, इसराइल, यही तीन कंट्री ने एनपीटी साइन नहीं किया है। ईरान ने किया है और नॉर्थ कोरिया ने भी किया है, ऑफकोर्स वो बाद में बैकआउट कर गया था, तो वो एक अजीब सी स्थिति है। न्यू मेंबर सार्क के कौन है? पता नहीं कब के न्यू मेंबर, ये तो 2007 में ही मुझे लगता है इन्होंने ज्वाइन कर लिया था अफगानिस्तान 8वें मेंबर के रूप में, तो न्यू कब का हो गया। Who among the following is not proponent of realist theory? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है कि मॉर्गेंथाउ रियलिस्ट हैं, जॉर्ज कीनन वो हैं जो ट्रूमेन के टाइम में डिप्लोमैट थे, शायद असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उस टाइप के कुछ थे, एडवाइजर थे फॉरेन रिलेशन के, और उन्होंने, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे जॉर्ज कीनन, उन्होंने ही कंटेनमेंट थ्योरी जो ट्रूमेन, जिसको ट्रूमेन डॉक्ट्राइन भी कहते, उसके एक तरह से जनक जो थे वो जॉर्ज कीनन थे, तो ये रियलिस्ट थे ही। एंड केनेथ डब्ल्यू थॉमसन भी एक रियलिस्ट ही माने जाते हैं, इनका मैंने एक बुक भी यहाँ पे दिया है, पॉलिटिकल रियलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, केनेथ थॉमसन का। तो जोसेफ ने को तो आप बिल्कुल ऑड वन आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये नियो लिबरलिज्म के एक तरह से फादर माने जाते हैं, अलॉन्ग विथ कोहेन, रॉबर्ट कोहेन, इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी दी। इसके अलावा जोसेफ ने को दो चीज़ों के लिए आप याद कर लीजिए, एक तो इन्होंने सॉफ्ट पावर नाम की बुक लिखी थी। सॉफ्ट पावर क्या है ये भी पूछा जाता है यूजीसी नेट सब में, मतलब यदि मान लीजिए जैसे इंडिया है, अभी मान लीजिए कि वो बातचीत के द्वारा, सपोज कर लीजिए कि वो मना लेता है रसिया को किसी बात के लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जो आप उसको धमका के नहीं मना सकते, लेकिन अपने इमेज से, अपने बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने और यहाँ पे एक अलग टाइप का कल्चर होने, वर्ल्ड में इसकी एक साफ सुथरी छवि होने के चलते यदि अपनी बात आप मनवा लेते हैं, तो इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। वो पावर की बैकिंग आपकी कल्चरल होती है,
आपका जो ओन स्ट्रेंथ होता है, जो आपने अभी तक वर्ल्ड में किया है लोगों के लिए, कंट्री के लिए भलाई उस पे होता है, उन सब का एक प्रतिफल जो है सॉफ्ट पावर होती है। इसके अलावा जोसेफ ने का एक कथन बहुत जो है कोट बहुत फेमस है, जो पूछा जाता है कि इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है पावर के बारे में सभी इस तरह से बात करते हैं जैसे वेदर के बारे में करते हैं, लेकिन कोई जानते नहीं कि ये क्या होता है, लाइक दैट, इस तरह की बातें भी उन्होंने की है। 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, इसी से मैंने गेस किया कि ये जो है बहुत नया क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में जो है यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में जो है 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, और 27th जो है वो इजिप्ट में होने वाली इस साल शर्म अल शेख में ये क्वेश्चन बन सकता है। Who was Dag? यहाँ dog नहीं है, गलत इन्होंने लिखा है, Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld, one of the most popular UN Secretary General थे, second थे, Swedish diplomat थे, Sweden के थे। उनकी जो one liner है वो बहुत famous रही है, ये तो former UN Secretary, उनकी जो कुछ one liner है मैंने यहाँ लिखा है, like everything will be all right, blah blah, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही interesting है, अभी time नहीं इसमें बिताते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है peacekeeping जो एंडेवर है, पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन का, उस एंडेवर को उन्होंने चैप्टर 6.5 डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कहीं पे पीस कीपिंग ऑपरेशन लिखा हुआ है ही नहीं। चैप्टर 6 में पीसफुल वे में वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सुलझाना है, चैप्टर 7 में फोर्स भी यूज कर सकती है, इन दोनों के बीच में पीस कीपिंग फॉल करता है। इसके अलावा उन्होंने फेमसली कहा था, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमेनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। इस टाइप के कई इनके कोड जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैग हैमरस्कोल्ड, एक ये भी है कि इनका ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहते हुए इनका डेथ हो गया था प्लेन क्रैश में, ये भी एक फैक्ट। मेगास्थनीज किस किंग के दौरान इंडिया आया था, ये जो विजिटर होते हैं ना हिस्ट्री में बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं, आपको ये डीयूटी में पूछ देता है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इंडिया आए थे, ग्रीक से, ग्रीस हम लोग कहते हैं। इसके अलावा फाहियान जो है वो गुप्ता डायनेस्टी जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उस टाइम में जो है फाहियान आए थे, और हुएन सांग जो है ये चाइनीज, ये दोनों फाहियान एंड हुएन सांग जो है चाइनीज ट्रेवलर थे, बहुत फेमस, हुएन सांग जो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। मार्को पोलो भी शायद इटली से होते हुए इंडिया आए थे, तो इस तरह के जो फेमस ट्रेवलर हैं उन लोगों के भी जिक्र हिस्ट्री में रहती है, पता नहीं कहां से इन्होंने पूछ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, ये बहुत आसान है क्योंकि लिट्टे इंडिया में तो है नहीं, आपको पता है लिट्टे श्रीलंका में है, तो इससे आपको नॉलेज मिलता है कि जैसे मोहम्मद पाकिस्तान का है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयरलैंड की है, ISIS सीरिया की है, आपको पता है ISIS क्या परेशानी या तबाही मचा रही है दुनिया में, लिट्टे जो है श्रीलंका की है। इजी क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए, लियाकत अली इसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ये वहां पे फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, कायदे आजम। Where is the headquarter of World Trade Organization? इसका हेडक्वार्टर वही है जहां इसका पुराना जो अवतार है या पुराना रूप GATT का हेडक्वार्टर है। GATT जिसको General Agreement on Tariff and Trade कहते हैं, उसी का नया अवतार है World Trade Organization, जो 1 जनवरी 1995 से जो है इसका सेटअप हुआ था। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहां की यूनाइटेड नेशन की सबसे ज्यादा एजेंसी का हेडक्वार्टर। Who was the president of USSR in 1971 during the signing of Indo-Russian Friendship Treaty? तो Indo-Russian जो Friendship Treaty हुई थी, जिसने हमें बचाया था एक तरह से बांग्लादेश वॉर में, काफी सेव किया था इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव में, उस समय काफी दोस्ती थी लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन याद कर लीजिए कि Who gave the doctrine of limited sovereignty? और ये दिया था लियोनिड ब्रेजनेव ने। ये क्या था, क्या लिमिटेड सॉवरेंटी, ब्रेजनेव का कहना था कि भाई देखो जितने भी तुम जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्री हो, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब मत समझो कि तुम 100% सॉवरेन हो, तुम जो चाहे कर लोगे, तुम्हारी सॉवरेंटी लिमिटेड है, तुम एक लिमिट से अधिक जो है हम तुमको अलाउ नहीं कर सकते। तो ये एक सच्चाई थी, वो उनका सैटेलाइट स्टेट के तरह जो है ईस्टर्न यूरोप के ये कंट्री एक्ट करते थे। तो ये लियोनिड ब्रेजनेव का लिमिटेड सॉवरेंटी डॉक्ट्रिन। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब साइन हुआ, ये आपको याद रखना चाहिए 1950 में। ये भी इंट्रीगुइंग है कि ये फिर से रिन्यू हुआ नहीं है, जहां तक मैं समझ पाया, मैंने नेट पे खोजा था, जबकि भूटान के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम है परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड भूटान 1949, ये रिन्यू हुआ है,
लेकिन नेपाल वाला नहीं हुआ, ये शायद एक चिंता का विषय हो सकता है इंडिया नेपाल दोनों के रिलेशन में। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, कितने दिन के अंदर जो है आरटीआई एक्ट में सूचना के अधिकार में जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है पीआईओ कहते हैं, वो कितने दिन में आपको उसको जवाब देना है, नहीं तो उसको फाइन लगेगा, ये है 30 दिन के अंदर। लेकिन यदि सूचना जो है किसी के जान माल से जुड़ा हुआ हो, लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन से हो, तो वो केवल 2 दिन के अंदर उनको जवाब देना मस्ट है, 48 आवर। ये बहुत जगह पूछा जाता है, 30 डेज 48 आवर जान माल। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड, ये पास तो 1986 में पहली बार किया गया था, सीपीए शॉर्ट में कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन 1919 में इस एक्ट को बहुत ज्यादा बदल करके फिर से इसको रीलॉन्च किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें कि ई कॉमर्स एंड सर्विसेज इन सब पे खासा जो है उस पर फोकस था। तो आप ये दोनों डेट को याद कर लीजिए, 1986 एंड 2019। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला एकदम बिल्कुल सही जिस स्टूडेंट ने मारा है, ये फ्री एलपीजी गैस रूरल एरियाज में बीपीएल फैमिली को बांटा गया था। लेकिन इसमें कई लोग उसको क्वेश्चन करते हैं कि वो उसका दाम अब इतना महंगा हो गया कि एक बार सिलेंडर तो फ्री मिल गया, बाद में उसको लोग यूज करने में परेशानी होती है गरीब लोगों को। उज्ज्वला स्कीम, लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इफ इट इज रिलेटेड टू, क्या ये कहना चाहता है आई डोंट नो, कर सकता है लोकपाल जो है उसके पास पावर है कि वो प्रधानमंत्री मिनिस्टर एमपी इन सब के भी करप्शन के केसेस पे जांच कर सकता है। लेकिन यहाँ क्यों ऐसा लिखा है आप इस पे और रिसर्च कर। मनरेगा के बारे में पूछा है कि कितने दिन का गारंटीड वर्क एक साल में मिलता है किसी फैमिली में, तो ये 100 दिन का जो है वो मिलता है प्रति व्यक्ति है। ये हु कंस्टिट्यूटेड अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज, तो ये मोरारजी, अब यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़े दिमाग में आ रहा है कि प्रति व्यक्ति है प्रति फैमिली, इसको चेक कर लीजिएगा कि ये 100 दिन का जो है क्या पर फैमिली गारंटी किया जाता है या पर व्यक्ति जो है, एक एक फैमिली मान लो 5 आदमी तो क्या सबको 100-100 दिन की गारंटी हुआ, इसको चेक कर लीजिएगा। यस, अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज की जो है वो मोरारजी देसाई ने 1977 मुझे लगता है इस अशोक मेहता कमेटी को बनाया था पंचायती राज के लिए। इनके बारे में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इन्होंने 2 टीयर जो है पंचायती राज की अनुशंसा की थी, एक टीयर तो मंडल पंचायत था, दूसरा जिला परिषद, जो माना नहीं गया। अल्टीमेटली जो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिव्यू के लिए की गई थी, उन्होंने 3 टीयर कहा था, पहला टीयर पंचायत, दूसरा जो है पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद, उसी को माना गया। दूसरा ये है कि अशोक मेहता कमेटी वो पहली कमेटी थी जिसने की कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए अनुशंसा की थी, ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी एंड टाउन एरिया कमेटी है, टाउनशिप कमेटी, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी है, इन सब में कौन अर्बन लोकल बॉडी है? चूंकि तो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो आपको पता है कि ये थर्ड टीयर है पंचायती राज का, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन बाकी तीनों जो है वो है, तो 2, 3, 4। Which of the following is not correct about a cantonment board? अब ये पिछला क्वेश्चन का ही है, ये भी एक स्पेशल टाइप का जो है शहरी एरिया है, यहाँ मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं, ये एक एक्ट से बना है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यदि ये एक्ट से बना है तो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से ये नहीं बन सकता है, और एक ही आपको जो है नॉट करना है, तो ये तो मिल गया, बाकी 3 एकदम सही है, तो इसको पढ़ लीजिए, इसे पढ़ के आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। लाइक इट इज एस्टैब्लिश फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कंटोनमेंट एरिया, जो आर्मी का कंटोनमेंट एरिया। Who is the author of the book Origin of Postmodernity? ये जो author है उनका नाम है Perry Anderson. Perry Anderson जो है British intellectual historian essayist हैं, अभी भी हैं हम लोग के बीच में, उन्होंने लिखा है Origin of Postmodernity. In Rawls theory, थोड़ा सा ये question उटपटांग है, मतलब arbit हो सकता है। In Rawls theory, ये लेकिन लड्डू question आपको आ गया अगला ही। Rawls theory, principle of justice is established by people who are affected By which of the following, afflicted भी कर सकते हैं, एक particular उनको एक बीमारी है, तो amnesia मतलब भूल गए हैं सब, veil of ignorance, उनको कुछ पता नहीं कि वो किस धर्म के हैं, जाति के हैं, क्लास के हैं, economic endowment क्या है, background उनका क्या है, उनकी psychological propensity क्या है, sex क्या है, कुछ पता नहीं। Who among the following is not related to deliberative democracy? अच्छा question है, इसमें John Rawls को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों याद कर लीजिए, ये कई जगह पूछा जाता है।
हु अमंग अस द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द एंबिशन सेंसिटिव, ये सब तो आपको सुन के लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, और आपको देखना भी नहीं है डॉर्किन, अभी डॉर्किन से तीन क्वेश्चन सीयूईटी में पूछा गया था, इतने पॉपुलर ये है राइट एज ट्रंप, ये एक पूछा था इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड लक इगैलिटेरियनिज्म, कि कौन मतलब वन ऑफ द लक इगैलिटेरियन कौन है, रोनाल्ड डॉर्किन। यहाँ पे विल कैमेलिका है, आपको पता है इन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप पे बुक लिखी है, इसे आप बर्लिन आपको पता है फोर एस ए लिबर्टी, ये भी सीयूटी में पूछा गया था, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी, रोल को तो कौन नहीं जानता। हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज मिथ, इसी टाइप की बात जो है वो हमारे यहाँ अम्बेडकर भी करते थे, लेकिन जो वर्ल्ड में कहा जाए तो जी डी एच कोल, और जी डी एच कोल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, पूछा जाता है ये गिल्ड सोशलिज्म के एक तरह से थ्योरिस्ट थे, फैबियन सोसाइटी के भी मेंबर थे, कोऑपरेटिव मूवमेंट के जनक थे, काफी सारे इनसे सोशलिज्म के आइडिया भी इनसे देख सकते हैं, और उनका ही ये व्यू था कि पॉलिटिकल लिबर्टी कुछ नहीं जब तक आप इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दोगे, मिथ है ये। पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट ओरिजिनेटेड प्राइमली इन विच कंट्री, कहां से पोस्ट मॉडर्निज्म सबसे ज्यादा थिंकर कहां निकले, आप याद कीजिए फूको, डेरिडा, लोटार्ड, ये सब जो है फ्रांस के थे, तो फ्रांस ये नहीं जर्मनी नहीं फ्रांस में पोस्ट मॉडर्निज्म का एक तरह से उदय हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन प्रोनाउंस दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, ये डिक्लेरेशन था अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसने ये बात कही, इसको पूरा पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लाइन है, मैं अभी टाइम बचाने के लिए पढ़ नहीं रहा हूँ, जिसमें लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इन्होंने प्रॉपर्टी को परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कर दिया जॉन लॉक का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंशन अर्थशास्त्र, डज नॉट मेंशन इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या, ये क्वेश्चन इन दोनों में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, आई विल गो विथ डिजास्टर मैनेजमेंट, शायद उन्होंने नहीं कहा होगा वैसे में, क्योंकि डिसआर्मेंट की बात तो हो सकती है, डिप्लोमेसी स्टेटक्राफ्ट में कोई नहीं, आप पढ़ लीजिए और इसको रिसर्च कर लीजिए। हु अमंग इज द फॉलोइंग फिलोसोफर said that equality is unnatural and undesirable, तो जो inequality को natural मानते थे वो Aristotle थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि unequal should be treated unequally, मतलब ऐसा नहीं जिसके पास एक टांग है उसको दो टांग के साथ आप बराबर दौड़ा दीजिए, इसी को proportional equality उन्होंने कहा, जिसको आज हम equity कहते हैं, और उसी के basis पर उन्होंने अपने justice की स्थापना की थी Aristotle। Which one of the following thinkers try to combine elitist theory with Marxism? ये difficult question है, लेकिन एक बार आप जान जाएंगे वो है इन सब में James Burnham। James Burnham जो है gave the concept of managerial elite का भी concept इन्होंने दिया था, executive and managers backed by bureaucrats and functionaries ruling elite ये लोग हो जाते हैं, तो इन्होंने जो है Marxism और elite theory को मिलाया था। मुझे लगता है कि Burnham ने जो है managerial revolution 1941 में भी लिखा था, इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन जैसे मैंने जितना देखा और ये कई जगह पूछा भी गया है James Burnham, तो इसको याद भी कर सकते हैं। Who among us the following thinkers has given the idea of omnipotent sovereign? इन सब में आप देखेंगे तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, इसमें जीन बोडिन होता तब तो बात समझ में आती है, लेकिन थॉमस हॉब्स लेविथन आपको याद है ना, वो ओमनीपोटेंट सॉवरेन है, मतलब समुद्री दैत्य के जो जिसके पास में अपार अपार शक्ति है, एब्सोल्यूट सॉवरेन। हु कैन फॉरगेट, वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वन फादर बट नॉट द लॉस ऑफ पैट्रीमनी, पैट्रीमनी होती है फादर से जो संपत्ति मिलती है उसको पैट्रीमनी कहते हैं, कोई अपने अपने फादर के डेथ को भूल सकता है लेकिन वो फादर से मिली हुई संपत्ति को नहीं, ये कहने वाले हैं मैकियावेली, ये बहुत फेमस कथन है, इसके पीछे की जो भावना है बहुत चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। जेएस मिल डिफाइन यूटिलिटी, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन, उन्होंने जो मैं आई विल गो विद सिंपल डेफिनेशन, वो यूटिलिटेरियन थे, उनका कहना था यूटिलिटी का मतलब होता है प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन, यहाँ पे उन्होंने कहा भी है द प्रिंसिपल बाय विच मिल सीक्स टू डिफाइन दिस परस्यूट नेमली द प्रिंसिपल यूटिलिटी इज स्टेटेड एज द प्रिंसिपल दैट हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग डिजायरेबल एट द एंड, लेकिन उनका जो यूटिलिटेरियन स्टेट का जो प्रिंसिपल था उसका एम लिबर्टी था ना कि अल्टीमेटली हैप्पी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि चौथे से कहीं यदि आप कंफ्यूज करें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही ऑफ्ट रिपीटेड जीके का क्वेश्चन है, ये है अम्बेडकर जिन्होंने तीनों राउंड टेबल में भाग लिया था, यहाँ ये भी जानना आपके लिए शायद जरूरी हो कि गांधी जी केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही भाग लिए थे जब उनकी गांधी इरविन से पैक्ट हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट के तहत। डेविड ईस्टन कॉन्सेप्ट
A persistence of political system is originally derived from which of the following discipline? ये जो भी language है, ये कहने का कि David Easton ने जो system theory political science में दिया, originally वो system theory कहाँ पे, किस science में वो basically पहली बार propound किया गया था, और वो था biological science, और वो करने वाले scientist थे Ludwig von Bartholdy. ये मैंने कई बार कहा है, इसको पढ़ लीजिए. UGC net में तो यहाँ तक पूछा गया कि सबसे पहले जनरल सिस्टम थ्योरी एंथ्रोपोलॉजी में आया, फिर सोशियोलॉजी में, फिर साइकोलॉजी में, और लास्ट में पॉलिटिकल साइंस में. ये क्रम भी पूछा गया था, इसे मैंने लिख दिया है. Who among is the following gave the nine grand processes of modernization? ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि ये देने वाले थे हटिंगटन, और हटिंगटन इसमें है नहीं, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ. इन्होंने जो नाइन ग्रैंड प्रोसेस दिए थे वो मैंने लिखा भी, उसे आपको याद करना है नहीं. हटिंगटन विच इन्होंने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड डीके का भी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डीके का भी कॉन्सेप्ट दिया था. इनका कहना था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट साइक्लिकल होती है, हटिंगटन, ये एक लाइन में ऐसे नहीं होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, चलिए चारों को पढ़ते हैं. डिसएग्रीगेट फैक्ट्स एंड वैल्यू, इसका मतलब फैक्ट वैल्यू को सेपरेट करता है. नो, ये नहीं करता, फैक्ट वैल्यू सेपरेशन बहुत बाद में आया. इंटर रिलेट्स फैक्ट एंड वैल्यू हिस्टोरिकली, इस तरह से कोई इंटीग्रेट भी नहीं करता. डिस्कार्ड फैक्चुअल एनालिसिस, यस, जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल फैक्चुअल डेटा ऑब्जर्वेशन इन सब पे बेस्ड नहीं था. डिस्कार्ड नॉर्मेटिव एनालिसिस, नो, ये हमेशा नॉर्मेटिव एनालिसिस करता है, तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है डिस्कार्ड फैक्चुअल एनालिसिस. 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑफ 1787, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के हिस्ट्री में, क्योंकि यही वो कन्वेंशन है जहां पे कि उसके नए कॉन्स्टिट्यूशन को रूप दिया गया था, उसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ये कह रहा है कि इट रिवाइज्ड विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उस समय में एक लूज कन्फेडरेशन था, लूज 12 स्टेट का, शायद 13वां उसमें जुड़ने वाला था, उसको एक फेडरेशन में बदल दिया गया, टाइट फेडरेशन में. तो कन्फेडरेशन को जो है इन्होंने मॉडिफाई किया था. Constitutionalism is considered as a precondition for which form of government? Of course, democratic form of government में constitutionalism होना चाहिए. Constitutionalism का मतलब ये है कि government के हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो निरंकुश नहीं है. जो constitution में लिखा हुआ है वो constitution एक ऐसे boundary खींचता है और सरकार इससे बाहर नहीं जा सकती है. रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट, गारंटी, इन सब के बाहर सेम कॉन्स्टिट्यूशन को सिटीजन भी मानेगा और स्टेट भी, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट. सेपरेशन ऑफ पावर एज द कार्डिनल प्रिंसिपल जो है, जहां पे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में पावर सेपरेटेड होता है, ये किस कंट्री के पॉलिटी का एक अहम हिस्सा है? वो है अमेरिका, यूएसए. इससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, ये देने वाले थे मॉन्टेस्क, जिन्होंने अपने बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में इसको दिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल कल्चर. इन सबको जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ अटक जाएंगे. पॉलिटिकल बिलीफ एंड पॉलिटिकल वैल्यूज, ऑफ कोर्स यही है, पॉलिटिकल बिलीफ एंड पॉलिटिकल वैल्यूज. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टेकन प्लेस 9 दिसंबर 1946. आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिसंबर 9 1946 को पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंडिया की हुई थी, जब हम आजाद भी नहीं हुए थे. उस बैठक में परमानेंट चेयरपर्सन नहीं चुने गए थे, कुछ दिन के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चुना गया था, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया. कितने बार आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे दिखता है हमें? क्या ये प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट में दिखता है? नो, फंडामेंटल राइट में नहीं, प्रीएम्बल में है. प्रीएम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यस. देखिए प्रीएम्बल को मैंने यहाँ पे पार्ट लिखा है. जस्टिस तीन टाइप की गारंटी करता है प्रीएम्बल, जो कि जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब कोर्ट में नहीं आ सकते. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. तो इकोनॉमिक जस्टिस मिल गया, तो आंसर तो आपको मिल गया. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम 39 BC को याद कीजिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, कई कई चीजें जो है हमें इकोनॉमिक राइट वहां पे मिलता है. लेकिन इसी का बहाना लेकर के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए कि प्रीएम्बल में लिबर्टी हमें किस किस चीजों की मिलती है, पूछा गया, याद रखिए. हमें लिबर्टी जो है पांच चीजों की मिलती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड मर्सी. रट लीजिए इसको. हमें इक्वालिटी दो टाइप की ये प्रॉमिस करता है, स्टेटस की इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की, ये भी याद कर लीजिए. तो तीन टाइप का जस्टिस, पांच टाइप की लिबर्टी, दो टाइप की इक्वालिटी.
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये क्वेश्चन बड़ा छिपा हुआ है लेकिन कई बार पूछा जाता है, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह शायद मंत्री भी थे इंदिरा गांधी के रिजिम में, उनकी एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट करने की सलाह दी थी, ये 42nd अमेंडमेंट से पार्ट 4 ए में 51 ए में जो है ये 10 फंडामेंटल ड्यूटी दिए गए। बाद में जो है 11th जो है उसको 2002 में जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट से, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए लाई गई थी। तो 11 अभी जो है फंडामेंटल ड्यूटी हो गए। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन की, फंडामेंटल ड्यूटी इंस्पायर्ड है रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वोटिंग एज वॉज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर, ये तो अभी भी आपको पूछा गया CUET में, और ये था 61st अमेंडमेंट से, और ये राजीव गांधी के टाइम में आया था 1989 में आया था 61st अमेंडमेंट, यहाँ पढ़ लीजिए इसके बारे में। इन विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड, ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1985 में, जिसने कि 10वां शेड्यूल जोड़ा और उसने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया 1985। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इस समय बहुत हॉट है तो पूछा जा सकता है, आर्टिकल 44 नंबर। Which article of constitution of India has provision for the joint session of parliament? बहुत आसान question, ये जो है privileges से है, parliament के member का privilege से related है। How many subjects are there in concurrent list after 42nd constitutional amendment? तो ये भी जो current है, उस समय में तो कितने हो गए थे? Concurrent list में 66 subject हो गए थे। यहाँ पे चलिए पढ़ देता हूँ मैं। ऑरिजिनली जो है 97 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में थे, अब ये 98 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में 66 थे, अब घट करके 59 रह गए हैं, और कंकरेंट लिस्ट में 47 थे, जो कि 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर होने के बाद 42nd अमेंडमेंट के बाद 52 हो गए। तो इसका जवाब होगा 52। रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको पता है पुंछी कमीशन 2007 में, भी मैंने बताया, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दो बार बनी है तो पता नहीं इसको क्या ये मानते हैं, यदि पहली बार तो इन्होंने सही लिखा है 1966, राजमंदार कमेटी मैंने बताया 1969, तो आप मैच कर लीजिएगा, तो सारा ही आपको मैंने बता दिया। सो ओके डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये कितना ब्यूटीफुल पेपर था, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे DUET में, कम से कम 15-20 क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द आपको घूमेंगे, और मेरे पास में, मैं फिर से दूसरी बार कह रहा हूँ, जो भी कुछ पेपर है मैं कोशिश करूंगा कि हर अल्टरनेट डे पे एक पेपर आपको लेकर के आऊं, तो अभी जब तक एग्जाम होगा 8-10 पेपर हो सकता है कि मैं आपको एनालाइज कर दूंगा, और उसमें ढेर सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आज दिए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, और जो लास्ट मिनट प्रेप गाइड भी मैं कोशिश कर रहा हूं अपडेट करने की, वो भी मिलेगी, जिससे आपको लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प होगी प्रिपरेशन करने की। ओके, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, लाइक करें, इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन ऐसे पूछें कि 1-2 लाइन में जवाब दिया जा सके ऑब्जेक्टिव रूप से। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यदि आपने नहीं लिया है गाइड DUET के लिए, तो ये लिंक है एंट्रेंस टेस्ट की गाइड, और इसी साइट पे amazon.in पे अवेलेबल है 1500 MCQ, वो तो केवल आप इस गाइड के पास जाएंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा, किंडल ऐप पे आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके बाय, मिलेंगे बहुत जल्द एक और किसी सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर को लेकर।